हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाडावारा। आई एम अमित तोशनीवाल, योर इकोनॉमिक्स टीचर। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th, सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पार्ट 3। वी शैल स्टडी टुडे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्राम मीन्स चित्र, फिगर्स, है ना। सो डायग्राम्स ओनली हेल्प्स अस टू सी द पैटर्न एंड शेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सो दैट इज़ व्हाई व्हेन डेटाज आर कलेक्टेड दे आर डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, सो दैट अंडरस्टैंडिंग बिकम्स ईजी। व्हेन दे आर प्रेजेंटिंग इन सच अ वे दैट देयर विजुअल discloses the salient features of data, the prominent features can be easily disclosed. So it's a method of visual acts which attracts our eyes and minds of observer, so that numerical values can be easily grasped. Okay, so diagrams bana dete hain, figures bana dete hain. Ab what is the utility? Sabse pehli baat hai, attractive and impressive, दिखने में सुंदर लगते हैं ह्यूमन माइंड को चित्र। सेकंड, क्वालिटी ऑफ मेकिंग डेटा सिंपल एंड इंटेलिजिबल, है ना। तो क्या होगा जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, तो जो भी डेटा के जो सेलेंट फीचर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उनको ग्रुप में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। लास्टिंग इम्प्रेशन, बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं, भूलते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ हम चित्र के रूप में देखते हैं, फिगर्स के फॉर्म में देखते हैं, वो हमारे माइंड पर इम्प्रेशन उसका बहुत लंबे समय तक होता है। तो लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। कोई कहानी तुमने सुनी है तो उसका असर कुछ और रहेगा, और यदि तुमने उसी कहानी को देखा है, विजुलाइज किया है, है ना, इन द वीडियो फॉर्म, सो इट लीव्स एन इम्प्रेशन विच इज़ मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। Then next is comparability. Diagrams can easily allow us to make a comparative study of different areas, periods and special features. It is an economical one because it saves our time, labor and money. Understandable, समझना बहुत आसान होगा, by a common man also. So it does not require any special skill और ट्रेनिंग या नॉलेज। यूनिवर्सल यूटिलिटी, सो स्टैटिस्टिकल डेटा बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट बजट एंड प्रोजेक्ट स्टडीज, व्हेन दे आर प्रेजेंटेड इन डायग्राम फॉर्म, दे आर इजीली अडॉप्टेबल। वी कैन डू द फोरकास्टिंग, मतलब भविष्यवक्ता बन सकते हैं, फ्यूचर अपन ट्रेंड्स उसके पता कर सकते हैं इनके बेसिस पे। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। अब हाउ टू कंस्ट्रक्ट डायग्राम्स, तो फर्स्ट हेडिंग शुड बी रिटन ऑन द टॉप। तो ये हर किसी में करना है, जब भी प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टेक्सटुअल फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्म में हो, डायग्रामेटिक फॉर्म में हो, या एनी अदर फॉर्म, बट हेडिंग इज रिटन एट एंड हेडिंग मस्ट बी वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्लीन एंड प्रिसाइज। सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। साइज, तो द साइज शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। स्केल शुड बी टेकन बिकॉज डायग्राम्स आर एक्चुअली दे आर मेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म, सो अ स्केल शुड बी टेकन एंड इट शुड बी डिस्क्लोज ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ दैट यूजिंग वॉट स्केल द डायग्राम्स आर मेड। सो इट शुड बी रिटन इन द कॉर्नर और इन द मिडल, जस्ट underneath the heading it should be written. Attractive, जो बने डायग्राम वो सुंदर बने, कचरा ना बने, तभी अच्छे लगेंगे दिखने में। Accurate बनना चाहिए, otherwise they will produce us incorrect conclusions. When we are drawing diagrams we must use instrument like scales, scale means ruler, sketches, colors also can be used, so it becomes more impressive. Index, diagrams are means for what they are made, so an index should be made that what line or what graph is showing what,
So for which a scale is an index should be written at the footnote, or else it can be written on the graph itself. You say it nomination or labeling, so that also can be done. Okay, then what are the kinds of diagrams? So I am introducing their kinds, and we shall study them one by one because it's a very huge topic. So one by one we shall discuss about. So there are two types, one dimensional and two dimensional. So one dimensional ke types kaun kaun se ho gaye? Line diagrams, simple bar, multiple bar, subdivided bar, percentage bar and duo directional diagrams. So these are the six types of one dimensional diagrams, or you can say geometric diagrams. Then two dimensional matlab kam se kam do line rahengi usme, like rectangular diagrams, square ones, circular diagrams or pie diagram. What are they and how they are drawn? So you shall study in later video. Thank you.